तो दोस्तों फाइनली इंडिया ने 71 रन से जिम्बाब्वे को हरा दिया, जिसमें आपको बता दें कि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 186 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें आपको बता दें कि सबसे ज्यादा रन सूर्य कुमार यादव ने लगाया, जो कि आपको बता दें कि मात्र 25 गेंद में 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 61 रन के शानदार नवादपारी खेला। सूर्य कुमार यादव के अलावा आपको बता दें कि केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी किया, जिसमें आपको बता दें कि केएल राहुल ने 35 गेंद में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 51 रन के पारी खेला। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर तक खेल नहीं सका। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे की टीम 17.2 ओवर में पूरी तरह से सिमट गया और मात्र 115 रन का स्कोर खड़ा कर सका, जिसमें आपको बता दें कि सिकंदरा राजा ने 24 गेंद में 34 रन के पारी खेला, जबकि रियान बार्ल्ग ने 22 गेंद में 35 रन के पारी खेला, जिसमें आपको बता दें कि भारतीय टीम के तरफ से गेंदबाजी करते हुए अश्विन ने शानदार गेंदबाजी किया। आपको बता दें कि अश्विन ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट झटका, जबकि आपको बता दें कि मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट अपने नाम किया, और आपको बता दें कि भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। इस तरह से भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, जो कि इंग्लैंड के साथ खेलेगा।